हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यजीत गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम आपके लिए लाने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर वीडियोस। हर रोज़ हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जो हमारा चैप्टर है सेट्स, सेट्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो जो जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो आज अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज़ नई नई वीडियोस अपने मोबाइल पे पाते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून अकेडमी इज़ हेयर फॉर यू। नून अकेडमी क्या है? नून अकेडमी, तो यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं डेली लाइव फ्री क्लासेस टिल एग्जाम आर डन। जब तक एग्जाम आपके ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपको हर रोज़ फ्री लाइव क्लासेस मिलते रहेंगे। फ्री लाइव क्लासेस, हाँ बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमको मिलेगा फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ क्लास। जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में हमें फ्री नोट्स भी मिलने वाले हैं। एमसीक्यू एंड प्रिपरेशन सेशंस भी यहाँ पे होने वाले हैं। एमएसटी, सीईटी, एमएससीईटी, नीट और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी भी तैयारी यहाँ पे कर ली जाएगी। और अनलिमिटेड डाउट्स क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होने वाली है। और हाँ, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। कहाँ पे? ओनली ऑन नून एकेडमी। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अभी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे फ्री क्लासेस का आप लोग मज़ा ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और नून एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आज सीखने वाले हैं सेट्स। उससे पहले सेट क्या होता है वो समझ लेंगे। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है फ्लावर बुके, उसके बाद बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या आप बता सकते हैं फ्लावर बुके जो है वो किस चीज़ से बना है? जी सही, फ्लावर बुके जो है वो फ्लावर्स से बना है। बंच ऑफ कीज़, इसमें क्या है? कीज़ है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे क्या है? बर्ड्स है। पाइल ऑफ नोटबुक्स, यहाँ पे नोटबुक्स रखी हुई है। और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जो कुछ भी नंबर्स है वो वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये क्या है? ये कुछ चीज़ों के ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप यानी क्या? इसको हम सेट कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की भाषा में उसे ही हम सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज और दूसरा एग्जाम्पल है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्या हम इसे सेट कह सकते हैं? जी नहीं, हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। कौन हैप्पी है और कौन सैड है ये हम कह नहीं सकते, इसलिए हैप्पी चिल्ड्रंस इन विलेज ये सेट नहीं है। वैसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास ये भी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में ब्रिलियंट होगा वो दूसरे सब्जेक्ट में वीक भी हो सकता है। ये मतलब ये हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, ये हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। इसकी वजह से ये जो एग्जाम्पल है ये सेट नहीं है। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डेज ऑफ अ वीक। क्या हम बता सकते हैं? जी हाँ, हम बता सकते हैं। तो डेज ऑफ अ वीक ये है हमारा सेट। दूसरा एग्जाम्पल, मंथ्स इन अ ईयर, क्या हम बता सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली हम बता सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सेट है। उसके बाद ब्रेव चिल्ड्रंस इन द क्लास, क्या हम बता सकते हैं? जी नहीं, हम बता नहीं सकते क्योंकि इसे हम सेट नहीं कह सकते। डेफिनेटली हम बता नहीं सकते कि कौन ब्रेव है और कौन ब्रेव नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं है। उसके बाद फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, जी हाँ हम बता सकते हैं काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग नंबर्स है, ये डेफिनेटली हम बता सकते हैं, इसकी वजह से ये सेट है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, क्या हम बता सकते हैं कौन सा फोर्ट स्ट्रांग है या कौन सा फोर्ट स्ट्रांग था? तो नहीं, ये भी सेट नहीं है, वो क्राइटेरिया हम जज नहीं कर सकते। उसके बाद प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, क्या हम बता सकते हैं? जी हाँ, हम बता सकते हैं, उसके लिए ये भी एक सेट है। तो इससे आपको शायद ख्याल आ गया होगा कि सेट किसे कहते हैं। सेट क्या है? सेट मतलब क्या? एक ही वर्ड ध्यान में रखना है हमें, डेफिनेटली। जो चीज़ें हम डेफिनेटली बता सकते हैं उन्हीं चीज़ों के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। द ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिफाइन प्रॉपरली।
और वी नो, डेफिनेटली वी नो दैट थिंग्स कम इन दैट ग्रुप आर नोन एज सेट्स। तो हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे आगे। चलिए तो सेट्स, सेट्स क्या है देखिए। इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेफिनेटली एंड क्लियरली। इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन द कलेक्शन इज अ कॉल्ड एज सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी वस्तुएं हैं, उनका जो कलेक्शन है, जो कलेक्शन हम डेफिनेटली और क्लियरली बता सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। जो सेट रहते हैं वो हम कैपिटल लेटर्स से शो कर सकते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, अप टू जेड, कोई भी हम लेटर उसके लिए यूज कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स। सेट का नाम हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और जो उस सेट के मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ द नंबर्स। कुछ नंबर्स जो है, हम नंबर्स का ग्रुप जो बनाते हैं उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला है यन। व्हाट इज यन? यन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर कौन से है? 1, 2, 3, डॉट 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 अप टू सो ऑन। कितने हैं पता नहीं, अप टू इन्फिनिटी। इन्फाइनाइट नेचुरल नंबर है, वन वन से स्टार्ट होगा, इसीलिए 1, 2, 3 यहाँ पे दिए वाले हैं। तो यन, यन ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स जिसकी शुरुआत जीरो से होती है और बाकी सारे इसमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद आई। आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमें मालूम है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, उसके बीच में है जीरो। तो जीरो के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, राइट साइड में 1, 2, 3, सो ऑन। ये है पूरे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये पूरे है सेट्स, किसके? नंबर्स के सेट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बताने वाली है। अगर समझो यन जो है नेचुरल नंबर है, उसमें क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये उसके एलिमेंट्स है। 1, 2, 3 ये क्या है? एलिमेंट्स है। और यन ये क्या है? सेट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वन वन ये क्या है? एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर्स का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वन बिलोंग्स टू यन, दैट मीन्स वन इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर हमने ऐसे लिख दिया कि जीरो बिलोंग्स टू यन, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे ऐसा कट कर देंगे। तो रीड करते समय हम ऐसा रीड करेंगे, ये है वन बिलोंग्स टू यन, दैट मीन्स वन इज अ नेचुरल नंबर, और जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू यन, दैट मीन्स जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये जो दो साइन है ये ध्यान में रखना है हमें। ये है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये है दूसरा डज नॉट बिलोंग्स टू। ये दोनों साइन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो आगे हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो आपको अब तक अंदाज़ा आ गया होगा कि सेट किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। उससे पहले ये पहली मेथड है। अब आपको यहाँ पे दो नाम दिख रहे होंगे, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, तो दोनों ही मेथड जो है, दोनों ही नाम जो है, तो वो एक ही मेथड के है। ये पहली मेथड है हमारी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन सेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सेट ए, बी और सी। समझो जब हम सामान खरीदने दुकान पे जाते हैं, तो घर से जाते समय हम क्या करेंगे, लिस्ट बना के ले जाएंगे। किसकी लिस्ट? सामान की लिस्ट। तो यहाँ पे वही मेथड है, लिस्टिंग मेथड, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ों की लिस्ट बनाना। यानी कि पहला सेट है ए। ए उसमें क्या आएगा? उसमें क्या है, एलिमेंट्स क्या है? डी, आई, वी, एस, ओ, एन, मतलब ये कुछ अल्फाबेट्स है, वो सेट ए के एलिमेंट्स है। दूसरा, उसके बाद में सेट बी। सेट बी क्या है? -3, 3, इसके दो एलिमेंट है, -3 और 3। सेट सी के कौन से एलिमेंट है? सेट सी में है 5, 10, 15, 20, 25। मतलब लिस्टिंग मेथड जो है उसे हम रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही मेथड के हैं।
तो उस मेथड में हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो है उस सेट के, वो हम एक एक करके कॉमा लगा के उसमें कर्ली ब्रैकेट में पुट करेंगे, और उसे ही हम कहेंगे लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। जैसे कि सेट ए में कुछ अल्फ़ाबेट है, सेट बी में कुछ नंबर से, सी में कुछ नंबर से, और वो पूरे के पूरे उनके एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, उसे हम कहेंगे लिस्टिंग मेथड। और यही तीन सेट हम दूसरी मेथड में देखेंगे अभी ये आपके सामने, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी दोनों नाम एक ही मेथड के हैं। ये दूसरी मेथड, ये देखो सेट, ये जो था ए, ये हमने किस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, सेट ए, सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। क्या देखा हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा रूल, रूल अप्लाई किया, मतलब जो एलिमेंट्स है सेट ए में जो लिस्टिंग मेथड में हमने लिखे हुए थे, वो हमने रूल मेथड में नहीं लिखे, एक भी एलिमेंट यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया। क्या किया हमने, हमने किया रूल, रूल यूज़ किया। रूल कैसा यूज, रूल कि जो एलिमेंट है वो क्या है, वो हमने खोज के निकाला, डी आई वी एस ओ एन, मतलब ये पूरे अल्फ़ाबेट्स मिला के कौन सा वर्ड बनेगा, डिविजन बनेगा। तो मतलब ये एलिमेंट जो है, एक्स इज़ ए एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स जो एलिमेंट है सेट ए का, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड, एक वर्ड का लेटर है, और वो वर्ड कौन सा है, डिवीजन। मगर आप लोग अब बोलेंगे यहाँ पे कि डी आई वी आई एस आई ओ एन, 1 2 3, 3 बार यहाँ पे आई आने वाला है, आई वाला है। तो आप जब लिस्टिंग मेथड देखोगे तब लिस्टिंग मेथड में तो जो आया है वो एक ही बार आया हुआ है, तो यही हमें ध्यान में रखना है। लिस्टिंग मेथड में कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो जब हमने रूल यूज़ किया तो डिवीजन ये वर्ड जब लिखा हमने, तो हम देख सकते हैं कि आई 3 बार आया हुआ है यहाँ, मतलब जब लिस्टिंग मेथड में लिखा तो आई एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक ख्याल में रखना है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिख सकते। एक सादा एग्जाम्पल है, जब हम सामान लेने जाते हैं तो क्या हम एक आधा एलिमेंट, एक आधा जो जो सामान है वो 2 बार नहीं लिखते, एक ही जगह पे हम लिखते हैं, तो उसी लिए लिस्टिंग मेथड में एक एलिमेंट बार बार नहीं आना चाहिए। दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट है बी, सेट बी -3 और 3, -3 और 3 क्या है, इसका रूल क्या है, यहाँ पे दिया वाला है सेट बी इज इक्वल टू वाई, और इसका एलिमेंट वाई कंसिडर किया वाला है, वाई सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर मतलब क्या कि जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, आने वाला है, -3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर भी 9, मतलब ये रूल यहाँ पे परफेक्ट मैच हो गया। तो वही रूल हमने यूज़ किया, मतलब लिखते टाइम क्या लिखना, पहले जो है एक्स वाई और जेड, ये है एलिमेंट्स, एलिमेंट को एक वेरिएबल देना है हमें पहले, जब सेट हम लिखेंगे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में, उस टाइम पे हम पहले एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे, जो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी आप ले सकते हैं स्मॉल लेटर्स। उसके बाद में जो सीधी लाइन है उसे हम कहेंगे सच दैट, ये जो सीधी लाइन है ये है सच दैट, जेड, जेड जो वेरिएबल है उस जेड क्या है, जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जेड क्या है, 5 का मल्टीपल है, जो 5 नंबर है उसका मल्टीपल है, एंड लेस देन 30, 5 के मल्टीपल कौन से है, 5 10 15 20 25 30 एंड 35 सो ऑन सो ऑन, ये यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। और दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल क्या बताया वाला है, लेस देन 30, मतलब हम ज़्यादा ले सक नहीं ले सकते, कितने एलिमेंट लेना है हमें वो भी यहाँ पे बताया वाला है, लेस देन 30 मतलब 30 से पहले जो एलिमेंट आने वाले हैं वो सब कहाँ पे आएंगे, सेट सी में आएंगे। तो ऐसे हमारी ये दोनों मेथड हो गई, लिस्टिंग मेथड जिसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, और दूसरी मेथड है रूल मेथड जिसे हम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों मेथड के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड और रूल मेथड की, जो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। पहला सेट दिया हुआ है सेट ए 2 4 6 8 10 12 14, जिसे हमने रूल मेथड में लिखा है यहाँ पे, सेट ए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। यहाँ पे दो रूल यूज किए हैं, कितने रूल है, 2 रूल, इवन नंबर चाहिए और दूसरी बात नेचुरल नंबर भी चाहिए, इवन नेचुरल नंबर, और जो होगा लेस देन 15,
मतलब नेचुरल नंबर की शुरुआत तो वैसे वन से होती है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। मतलब इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? पहला टू, उसके बाद में 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इसके आगे क्यों नहीं लिए? क्योंकि लेस देन 15 भी होना चाहिए। लेस देन 15, ये दूसरा रूल। लेस देन 15 मतलब कौन आएगा? 14। 14 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये दोनों मेथड में हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा सेट बी दिए वाला है। सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर कौन से हैं? कौन से हैं बताइए। देखो, सेट बी इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में हमें लिखना है सेट बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर कौन है? पहला तो वन, वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि उसका स्क्वायर रूट वन ही आएगा। ओके, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है 4। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है 2, जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं हम? 1, 4। तीसरा 9, 9 का भी स्क्वायर रूट हमें हम निकाल सकते हैं, 3 है। उसके बाद में 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। उसके बाद में अगला स्क्वायर है 25, 25, लेकिन हम वो ले नहीं सकते क्योंकि 20 तक ही हम ले सकते थे। मतलब यहाँ पे ये सेट पूरा हो गया और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद में सेट सी, सेट सी क्या है? उसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी तो आप लोगों को ये पता होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू क्या है। क्या है ये? ये क्या है? ये वॉवेल्स है। ये क्या है? वॉवेल्स है। मतलब हमें रूल तो मालूम हो गया। क्या है रूल? ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है वॉवेल्स। मतलब हम क्या करेंगे, सेट सी इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज हमने लिया जेड, जेड जेड इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी सच दैट जेड इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। डन। इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, हो गया हमारा सेट। मतलब हमें क्या ज़रूरी क्या है? उसका रूल समझ में आना ज़रूरी है। अगर एक बार हमने रूल समझ में आ गया तो उसके बाद में हम रूल मेथड से वो सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेट डी। सेट डी क्या है? सेट डी इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज़ अ कलर इन द रेनबो। अब आप लोगों के क्या करना पड़ेगा? सेट डी इक्वल टू अ कलर इन द रेनबो। अब कलर इन द रेनबो मतलब उसके कलर कौन कौन से हैं? उसके कलर अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बराबर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या है? कलर इन अ रेनबो। मतलब इसके एलिमेंट कौन से होने चाहिए? कलर इन अ रेनबो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, उसके बाद में सेट पी। सेट पी क्या है? सेट पी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 3। मतलब जो एक्स है, जो एलिमेंट है, वो -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। मतलब सेट पी इक्वल टू क्या होगा? -3 के, -3 से बड़ा, मतलब -3 से आगे -2 होगा, उसके आगे -1 होगा, उसके आगे 0 होगा, उसके आगे 1, उसके आगे 2, और 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये सेट पूरा हो जाएगा। और सेट पी में क्या है, एलिमेंट क्या है? -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पे सेट पी हमने लिख दिया। उसके बाद सेट यम। सेट यम क्या है? सेट यम इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125। अब ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे जल्दी से हमें रूल समझ में नहीं आने वाला है। अगर थोड़ा एक बेसिक नॉलेज आपको होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, तो आप ये सेट आसानी से लिख सकते हैं। जी हाँ, आप लोग, आप में से कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 1, 8, 27, 64, 125 ये क्या है? ये क्यूब्स है। परफेक्ट क्यूब क्या है? क्यूब किसकी क्यूब है? ये 1 का क्यूब है। उसके बाद में 8 जो है वो 2 क्यूब, 27 जो है वो 3 क्यूब, 64 जो है वो 4 क्यूब, 125 जो है वो 5 क्यूब,
ऐसे हम लिख सकें 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब है। मतलब हम ये सेट यम ऐसे लिखेंगे, यम इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम लिमिट भी सेट नहीं करेंगे, डॉट डॉट दिए वाला है, मतलब ये कहाँ तक भी हम बढ़ा सकते हैं। सेट कंप्लीट, एक्स इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे हमें ये सेट लिख दिया। आई होप आपको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए वाले हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है हमें? रोस्टर फॉर्म। कौन से सेट है रोस्टर फॉर्म, यानी आपको मालूम होगा रोस्टर फॉर्म यानी कौन सा? लिस्टिंग मेथड। क्या? लिस्टिंग मेथड। ध्यान में रखना चाहिए आपको, अगर रोस्टर भी आ गया तो वैसे ही सॉल्व करने का, और लिस्टिंग मेथड भी आ गया तो वैसे ही सॉल्व करने का। पेपर को एग्जाम में हमें लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं और रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो चलिए, पहला सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, उसे हम कुछ भी दे देंगे नाम। सेट ए, सेट ए इक्वल टू इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 कॉमा, और उसके आगे भी लिख सकते हैं, इसलिए डॉट 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 डॉट। सेट कंप्लीट। उसके बाद दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर्स कौन से हैं? सेट बी। दूसरा, इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर पहले देखेंगे। प्राइम नंबर है 2, 3, 5, जिसे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। और उसमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा है? एक ही है, वन एंड ओनली, देयर इज वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड प्राइम नंबर है, और सिर्फ 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद तीसरा सेट, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तीसरा सेट जो है हमारा वो क्या है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, क्योंकि उसे कोई लिमिट दी वाली नहीं है। उसके बाद सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, या आप लोग कर सकते हैं सेवन बेसिक साउंड्स, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है? सरगम के साउंड्स, सा रे गा मा, सुर लगा के करिए, ये क्या है? सरगम है। सरगम मतलब सुर, 7 जो सुर होते हैं वो हम सेट डी में लिखने वाले हैं, ये आप लोग करिए। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड। हाँ, ये थोड़ी देर पहले अभी अभी मैंने बताया वाला है। क्या है? पहला जो है ये हमने वर्ड्स में लिखना है, ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है वर्ड्स में लिखना है। क्या है? 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब 4/3 बिलोंग्स टू, आपने अगर क्यू लिखा तो भी चलेगा, और इसके जगह पे आपने बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर ऐसे लिखा तो भी चल सकता है। रैशनल नंबर्स कोई भी लिखो, 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या है? -2 डज नॉट बिलोंग टू एन, मतलब -2 डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? पी इक्वल टू पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या? कि इस सेट में पूरे के पूरे एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। मतलब वही हमें यहाँ पे लिखना है वर्ड्स में, मतलब पी जो है, पी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। एकदम इजी क्वेश्चन है। उसमें से पहला
जो सेट है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, आपको आप तो लिख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एटसेट्रा, ऑल पूरे जो मंथ है 12 मंथ जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेट ए। उसके बाद में दूसरा जो है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेटर्स इन अ वर्ड कॉम्प्लीमेंट, पहला पहला लेटर है सी, दूसरा लेटर है ओ, तीसरा लेटर है यम, उसके बाद पी, उसके बाद यल, उसके बाद ई, उसके बाद यम, उसके बाद फिर ई आए वाला है। दोबारा ई लिखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि दो बार अगर ई आया तो लिस्टिंग मेथड में हमें उसे एक ही बार लिखना है। उसके बाद क्या है फिर यन, उसके बाद टी। तो जो दोबारा आने वाले एलिमेंट होंगे उनको हम सिर्फ लिस्टिंग मेथड में एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेट बी। उसके बाद तीसरा सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, आप बता सकते हैं नोज, ईयर, आइज, टंग, स्किन, ये सारे क्या है सेंसरी ऑर्गन्स है, ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर मतलब जिन नंबर को हम सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स, मतलब 1 to 20 क्या है प्राइम नंबर्स, क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पी। पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू व्हाट, प्राइम नंबर्स, पहला प्राइम नंबर क्या है 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17 एंड 19। 1 to 20 के ये सारे क्या हुए प्राइम नंबर्स, मतलब इन्हें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, देर आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे क्या है कॉन्टिनेंट्स है, ये मतलब पूरे हमारे वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट्स है उनका हमें यहाँ पे सेट लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर अब देखिए उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, कि यहाँ पे हमें रूल मेथड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है रूल मेथड, मतलब ये जो सेट है ये हमें रूल मेथड यूज़ करके लिखना है। तो उसमें पहला सेट देखिए, पहला सेट है ए, उसमें क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49, 64, 81, 100, ये सारे के सारे आपने अगर थोड़ा ध्यान देकर देखेंगे तो ये सारे के सारे है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब ए ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब उसका एक वेरिएबल लेंगे एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज एन स्क्वायर। एक्स जो है वो एक नंबर का स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग रूल यूज़ करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे अलग अलग रूल यूज़ करेंगे। तो पहला रूल जो है एक्स इज एन स्क्वायर, एक्स जो है वो क्या है एन स्क्वायर है। उसके बाद दूसरा रूल एन बिलोंग्स टू एन, दूसरा रूल, और उसके बाद एन इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब क्या हो गया देखो यहाँ एक्स इज एन स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 4, सॉरी 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, सो ऑन 10 स्क्वायर 100 तक। मतलब एक्स जो है वो एन स्क्वायर है, एक किसी भी नंबर का स्क्वायर है। और एन क्या है फिर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक होना चाहिए 10 तक होना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो स्क्वायर है वो 100 है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, उससे आगे नहीं, मतलब लेस देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटे नंबर्स हमने यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स लिए वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में सेट बी, सेट बी इज इक्वल टू, उसमें क्या है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ईजी है, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 6, वाई सच दैट वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 6। दूसरा रूल क्या है इज लेस देन 49, 48 है लास्ट, आप 48 भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको ऐसा लेना पड़ेगा वाई इज लेस देन और इक्वल टू 48। अगर आपने सिर्फ लेस देन लेना है तो उस 49 ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये सेट कंप्लीट हो गया दूसरा सेट। तीसरा है सेट सी, इजी है,
क्या वर्ड बनेगा इससे? स्माइल बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? सी सी इक्वल टू क्या है? सी इक्वल टू जेड, सच दैट जेड इज अ लेटर ऑफ वर्ड। कौन सा वर्ड? लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, उसके बाद डी क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डे ऑफ वीक, डी इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक। ओके, डन। उसके बाद एक्स एक्स इक्वल टू AET, AET से क्या बनेगा? इससे भी अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं। AET मतलब ये TE, AT भी बन सकता है, ATE8 भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आपके दिल से आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स पांचवा पांचवा क्वेश्चन, एक्स एक्स इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड। कौन सा वर्ड? स्मॉल में लिखना TEAT। आप एट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमारा ये पहला टॉपिक आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी लोगों को जो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम हर रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। और क्लास 9th और क्लास 10th की हर रोज़ एक नई वीडियो हमारे चैनल पे हम पब्लिश करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से नून अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐसे ही हमको आपका सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, थैंक यू।